बहुत ही, मुझे लग रहा है ये एडवेंचर बहुत ही टफ होने वाला है। स्कूटी खड़ी है, बंदे है ही नहीं, क्या बताऊं यार। एक स्कूटी मुझे वहां पर दिखी थी, लड़की ऊपर पहाड़ पे बैठी थी। सारा देखो नजारे, क्या बात है। देख ले भाई रास्ता, देख लो। ट्रैकिंग का शौक पाल ले हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के पालना, वो भी अकेले। पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है, सीधा सीधा चढ़ते जा रहा हूँ। और आप देख लो कैसी चढ़ाई है जी, आप देख सकते हो सामने ग्लेशियर है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपका दोस्त बैकपैकर कश्यप, और मैं इस समय त्रिवेन ट्रैकिंग के लिए निकल चुका हूं। मैं इस समय हूं अभी मैकलोइनगंज में, यहां से मेरा वो होटल है नीचे की साइड, और मैं यहां से ट्रैकिंग के लिए ऊपर की तरफ जाऊंगा। मैंने रास्ता जो चुना है वो धर्मकोट वाला रास्ता चुना हुआ है, क्योंकि इधर से थोड़ा सा मुझे ईजी पड़ेगा, ज़्यादा चढ़ाई मतलब चढ़ाई कम पड़ेगी, लेकिन हाँ डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा और अप्रॉक्स करीबन 12-13 किलोमीटर पड़ जाएंगे। और मैं अगर चढ़ाई चढ़ते हुए जाऊंगा तो मुझे 7-8 किलोमीटर पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा थकान हो जाएगा उससे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैकिंग, और आपको रास्ते में दिखाता हूँ गजब गजब की चीज़ें, क्या क्या मुझे फेस करने को पड़ सकती हैं यहाँ पर, आप लोग को भी क्या क्या चीज़ें फेस करने को पड़ सकती हैं। हालाँकि मैंने सारी चीज़ें जो है बैग में रख ली है, और मैं ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो यार दोस्तों, जस्ट अभी नीचे से यहाँ तक पहुँचने में ही मेरी हो गई हालत ख़राब, अभी मुझे मेन रोड के लिए ऊपर जाना है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं धर्मकोट एंड त्रिवेंट दिखा रहा है 100 मीटर ऊपर की तरफ, और 50 मीटर जो है धर्मकोट होटल्स के लिए। तो बट मुझे जाना है धर्मकोट ऊपर, धर्मकोट एंड त्रिवेंट ट्रैकिंग के लिए, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो वगैरह भी चलती है, का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो किस तरीके का रास्ता है, और पीछे भी कोई नहीं है। दोस्तों त्रिवेंट ट्रैकिंग के लिए आपको जो है, अगर आप गाइड करके जा रहे हो तो गाइड आपको जो है वहाँ पर रुकने के लिए 1000 से लेकर 1200 रुपीज़ लेता है, जो कि आपको पूरा ट्रैकिंग कराएगा और वहाँ पे नाइट स्टे कैंपिंग कराएगा, डिनर वगैरह सब कुछ देगा, ठीक है। और यार मेरी तो अभी से ही हालत ख़राब हो रही है, और देख सकते हो मैंने पहन वगैरह लिया है बहुत ज़्यादा, जैकेट वगैरह पसीने आने लगे हैं, कहीं आगे चलते चलते तक मुझे ये सारी चीज़ें उतारनी ना पड़ जाए। और ये देखो नीचे खाई है भाई, पीछे देख सकते हो खाई है, और पीछे देख लो कुछ भी नहीं है। चलो आगे की तरफ चलते हैं ट्रैकिंग करते हुए। तो यार दोस्तों मैं यहाँ पर आके फंस गया, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, चलो ये भाई से पूछता हूँ। दोस्तों मेरे को ना ट्रेन ट्रैकिंग के लिए जाना है, किधर से जाऊँ? थैंक यू यार दोस्त, ओके। नाम क्या है? माय नेम अरमान। अरमान, योर नेम इज अरमान, ओके। सो आई जस्ट वांट टू गो त्रिवेन ट्रैकिंग फॉर ट्रैकिंग। यस यस यस। सो व्हिच इज द बेस्ट वे, दिस वन और दिस वन? दोस्तों आपको समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया, पर मैं स्टिल इसी वे से जाता हूँ। मुझे लग रहा है इस वे से जाऊँगा तो नीचे चला जाऊँगा, और ट्रैकिंग ऊपर जाना है तो थोड़ा सा माइंड का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर की तरफ चल रहा है क्योंकि ट्रैकिंग करने जाना है।
इस पॉइंट पर आके एक बार मैं फिर से कंफ्यूज हो गया, इधर जाना है या इधर जाना है। फिलहाल पूछने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक स्कूटी खड़ी है और ये स्कूटी से ही मुझे पूछना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वहाँ से स्ट्रेट ले लिया है, कुछ कोई बताने वाला था नहीं तो मैंने स्ट्रेट ले लिया। अब स्ट्रेट आगे जाता हूँ, शायद कोई बंदा मिल जाए मुझे। यहाँ पर कोई भी एक भी पर्सन नहीं दिख रहा है। बहुत ही मुझे लग रहा है ये एडवेंचर बहुत ही टफ होने वाला है। स्कूटी खड़ी है, बंदे है ही नहीं, क्या बताऊँ यार। एक स्कूटी मुझे वहाँ पर दिखी थी, लड़की ऊपर पहाड़ पर बैठी थी। अजीब अजीब से लोग हैं यार। But this adventure is going to be very adventurous. Guys, मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। Oh yeah. Good morning. He is running and I am running. ओहो, तो यार ये भाई से पूछता हूँ। सर इधर से स्टूडेंट ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं? इधर ही से जाना है? हाँ, डायरेक्ट नदी को जाता है ये रास्ता। नदी? नदी। अच्छा नदी। और ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए ये पीछे रह गया। त्रिवेण ट्रैकिंग पीछे रह गया। एक स्टेप है ना? अच्छा वो जो कल्लू टेम्पल एक स्टेप है। कल्लू टेम्पल? अच्छा, ओहो, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये नड्डी क्या है? नदी तो वहाँ पर सनसन पॉइंट वगैरह शाम को वो पूरा ग्लेशियर दिखता है। अच्छा, वहाँ से पूरा ग्लेशियर दिखता है नदी से? हाँ, वो देखने में लग रही है। मैं बनारस से हूँ। बनारस में तो हमारे गंगा जी है वो। अरे बनारस में तो ये काशी, काशी है, काशी जी का वो है वो। हाँ। काशी की बसाई हुई नगरी है। हाँ। भोले बाबा की। काशी में विश्वनाथ जी विराजत है ना। हाँ। नंदी ब्रह्मचारी। ये तो भोग लगा दे ये। काशी में बड़ी विद्या है। कौन है? काशी में बड़ी विद्या का बड़ा प्रभाव है। हाँ, विद्या का बहुत प्रभाव है वहाँ पे। ज्ञान की गंगा है वो। ज्ञान की गंगा। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर कोई नॉन वेज वगैरह नहीं था पहले तो। अब तो मैं बोल, अब तो बहुत है हो गए नॉन वेज। अच्छा, अब तो बहुत नॉन वेज हो गए। बकरा वगैरह काटा नहीं जाता था वहाँ पर पहले? नहीं काटा जाता, अब काटे जा रहे हैं। एक ना जो झाड़ू, जो झाड़ू लगाने वाला वो भी हाथ धो के भगवान के नाम की माला फेरेगा। एक वक्त ऐसा था श्री काशी, वो एक समय था। अब आज तो सब दूषित हो गए, मनुष्य दूषित हो गया। वहाँ से गल्लू टेम्पल से बड़े मजे से आप ना, अगर मतलब कम 1:30 बजे आपने त्रिवेण पहुँच जाना है। 1:30 बजे पहुँच जाऊँगा ऐसे वॉक करते हुए। तो यार गाइज, मैं गलत रास्ते पे चला गया था नदी की तरफ जो कि लास्ट पॉइंट है। वहाँ से ग्लेशियर का व्यू बहुत अच्छा आता है और मुझे जाना है गल्लू टेम्पल के रास्ते की तरफ जो कि ये रास्ता जा रहा है गल्लू टेम्पल की तरफ। और कल आऊँ गल्लू टेम्पल, वहाँ पर दर्शन वगैरह करके हाथ वगैरह जोड़ के थोड़ा चाय पानी करूँगा, फिर उसके बाद त्रिवेण ट्रैक के लिए निकलूँगा। भैया अबे कपड़े भी अच्छे डाले आपने, गर्म कपड़े। कपड़े भी मैंने डाले। ट्रैक भी अच्छा है, वक्त भी अच्छा है। वक्त भी अच्छा बिल्कुल है। आपका जो है ना इस वक्त जो आपकी जो कुंडली बता रही है मतलब बिल्कुल सही समय में जा रहे हैं। बहुत सही समय, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। मंगलवार है। मंगलवार है। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा गलत रास्ता पकड़ लिया था आपको जैसा बताया। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ गल्लू टेम्पल की तरफ, फटाफट निकलते हैं। तो गाइज, ट्रैकिंग करते हुए आप आओगे तो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वॉक करते हुए। ये आप देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे कितना सही व्यू पॉइंट है। और जस्ट उधर के साइड है जो ग्लेशियर दिख रहा है। पानी रख लेना भाई आते समय। बजरंगबली जी मिल गए हैं, हमें थोड़ी ऊर्जा प्रदान करेंगे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। चलो चढ़ाई करते हैं अभी। तो यार गाइस, थोड़ी सी लैंडस्लाइड भी हुई है और आगे भी थोड़ी लैंडस्लाइड है।
गर्मी बहुत हो गई थी, टी शर्ट भीग गया था अंदर से, तो इस वजह से मैंने जैकेट जो है उतार के बैग में रख लिया। तो यार दोस्तों थोड़ा दूर चलने के बाद मेरे नीचे आप देख सकते हो वहाँ पे ढेर सारे भेड़ बकरियाँ हैं वहाँ पर देख सकते हैं। अब मुझे एक छोटी सी शॉप दिखी है यहाँ पर, और क्या करेंगे। तो गैस मैं पीछे आप देख सकते हो गल्लू टेंपल मैं पहुंच गया, और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हो पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से व्यू बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा व्यू है। हालांकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में जो कि लग गए 1.5 घंटे मैक्लॉडगंज से, और फिर मैं यहाँ से जो है अपनी ट्रैकिंग आगे की तरफ स्टार्ट करूँगा। हालांकि दोस्तों गल्लू टेम्पल के पास भी बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रैकिंग के प्रोस्पेक्टिव से आते हो तो आप यहाँ पे होटल बुक कर सकते हो, और यहीं से जाओगे तो आपके लिए बेटर पड़ेगा, क्योंकि 1.5 घंटे की जो है चढ़ाई वो आपकी बच जाएगी, और यहाँ से सीधा आपको जो है ट्रेन ट्रैकिंग के लिए पड़ जाएगा। ये आप देख सकते हो ज़बरदस्त व्यू है, बगल में होटल्स वगैरह है, यहाँ पे आपको रेस्ट वाइल भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट वगैरह। अभी तक का जो ट्रैकिंग था मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ से जो है मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, और आगे मुझे क्या क्या मिलने वाला है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आपको हर एक चीज़ दिखानी है इस ट्रैक में कि कहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकते हैं। तो ठीक है, ये व्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है दोस्तों, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे की ट्रैकिंग के लिए, और आगे आपको क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ सकती हैं ये सारा चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। So he will ask something to you guys. You have to comment and respond him. So ask. कैसे हो भाई? Yeah.